बीपीएससी मेंस के लिए सीरीज जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है और किस टाइप से उसका आंसर भी दोस्तों हम इसमें आप लोगों को दूंगा, जिसको आप लोग नोट्स हैं और किस प्रकार से लिखना है देख सकते हैं यहाँ पे। और इस प्रकार से अगर लिखते हैं या इससे भी बेहतर लिखते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मेंस में ला सकते हैं। तो देखिए इसमें उस तरह का कोशिश किया गया है कि जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि इसमें इस बातों को इंक्लूड करें, टोटल इसमें लिखने को कोशिश किया गया है। और आप लोग इसको एक बार देख पढ़े जरूर, इस वीडियो को देख ले कि किस प्रकार से लिखना है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको ज़रूर एग्ज़ाम में जाने के बाद कुछ लिखने का तरीका पता चलेंगे और एग्ज़ाम में जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस जरूर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि कितने टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी मेंस में पेपर वन में, जिसमें मात्र 10-15 टॉपिक है, जिसी से उसी से क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसी को आप लोग अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप पे खंड वन होता है, जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग चंपारण सत्याग्रह से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से, तो आप लोग उसको देखेंगे तो लिखना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का है ना कि उसका थोड़ा सा दोस्तों क्या करना है कि पहले पृष्ठभूमि, मतलब उसका चंपारण सत्याग्रह का पृष्ठभूमि कैसा था, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि यह आंदोलन था, क्योंकि गांव इलाके में हुआ था। उस समय तिनकटिया व्यवस्था को ख़त्म कर दिए गए थे और इस आंदोलन में यह जन आंदोलन था। इसमें कौन कौन सी भागीदारी लिए थे, पहला तो दोस्तों किसान लिए थे, दूसरा इसमें श्रमिक, मतलब जन इसमें जो दो लोग ज़्यादातर भाग लिए थे। उसके बाद है एक किसान आंदोलन था भी, इसमें क्षेत्रीय आंदोलन थे। कैसा आंदोलन था, तो यह क्षेत्रीय आंदोलन था। थोड़ा सा इस टाइप से आप लोग दोस्तों अगर डायग्राम वहाँ पे बना देते हैं तो थोड़ा बेहतर मार्क्स से देने की संभावना है। अब देखिए वित्तीय सहयोग, वित्तीय सहयोग के रूप में इसमें सेठ लोग भाग लिए, साहूकार लिए, जिसमें से आपको घनश्याम दास, बिरला बिरला, उसके बाद है कि जमुना लाल बजाज, ये लोग मतलब साहूकार थे और सेठ थे जो इन्होंने भाग लिए। अब देखिए अब आते हैं कि क्या था, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि उत्तरी बिहार के तिरहुत प्रमंडल में चंपारण एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था। चंपारण का अधिकांश क्षेत्र तीन भूस्वामियों के अधीन था। ये भूस्वामी बताया रामनगर और मधुबन के जमींदार थे। इसमें बेतिया की जागीरें सबसे बड़ी थी। ये भूस्वामी अपनी जागीर की देखरेख स्वयं ना करके ठेके पर देते थे। ठेकेदारों में सबसे प्रभावशाली वर्ग यूरोपीय नील बगान ठेकेदार का था। मतलब अब क्या है समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि ये उत्तरी बिहार के तिरहुत प्रमंडल में चंपारण एक ऐसा स्थान था जहाँ पर यह लंबे समय कृषकों का असंतोष फैला रहा, जिसके वजह से दोस्तों वहाँ पे क्षेत्र चंपारण का क्षेत्र का जो भूस्वामी होता था उसके अपने अधीन नहीं थे। मतलब वो ये भूस्वामी अब किसके, मधुबन के जमींदार थे, तो रामनगर और बेतिया के जमींदार थे। इसमें से बेतिया की जागीरें सबसे बड़ी थी। अब याद रखना है कि इस बातों को भी इंक्लूड करना है उसमें कि जागीरें कितनी बड़ी थी, सबसे बड़ी थी। भूस्वामी ये भूस्वामी जो थे वो उसके अपने बस में नहीं थे, देख रेख उनको स्वयं ना करके किसको देते दे थे, ठेके थे। ठेकेदारों में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन थे, तो यूरोपीय जिसको अंग्रेज और नील बगान ठेकेदार का था। यहाँ पर असंतोष का मुख्य कारण था कि किसानों को बगान मालिकों से जमीन पट्टे पर लेना होता था। याद रखना है, मतलब इसके कहने का अर्थ है कि मतलब जो भी है उसको इस हिसाब से लिया जाता था कि उसके किसी चीज़ पे पट्टे पर ले लिया जाता था, और उसको और ये पट्टा इस शर्त पर दिए जाते थे कि उन्हें 1 बीघे के 3 कट्ठे पर 1 बीघे के 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती
की जाती थी जो उसे अपने सबसे उपजाऊ मिट्टी पर करनी होती थी। इसी को तीन कठिया पद्धति कहा जाता था। किसानों से बहुत ही कम धनराशि पर नील ले लिया जाता था। 1900 ईस्वी के बाद जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नील का उत्पादन कर दिया। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि 1900 ईस्वी के बाद जर्मनी के वैज्ञानिक क्या किया, मतलब वो कृत्रिम नील का उत्पादन कर दिया, जिसके वजह से किसानों को क्या होते हैं, देखिए तो इस बातों को भी इंक्लूड करना है, तो आप लोग इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जिससे विश्व बाज़ार में भारतीय नील की मांग कम हो गई, इससे बागान मालिकों को महसूस हो गया, मतलब हो रहा था कि नील के व्यापार उन्हें सॉरी व्यापार से उन्हें अब अधिक मुनाफा नहीं हो रहा है। परंतु मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसान के ऊपर लादना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कि वो किसान जो खेती करते थे किसान, तो उससे नील खरीदते थे, तो कृत्रिम नील की बना दिया था जर्मनी के वैज्ञानिक ने, जिसके वजह से उसको मुनाफा नहीं होता था। तो जो भी उसका लगान होते थे या जो भी उसका घाटा लगता था, वो आपको किसानों को तले डाल दिए जाते। इसके लिए उन्होंने जो रास्ते अपनाए, उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वो उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। मतलब क्या हुआ कि जब उसको शुरू कर दिया, मतलब लादना शुरू करता है, तो इसके लिए उन्हें रास्ते अपनाए, उसमें किसानों से यह कहा, मतलब यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। मतलब वो उल्टे किसानों को ही कहने लगे कि मुआवजा दे, जिससे आपको नील की खेती नहीं करना पड़ेगा। फिर 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के साथ चंपारण के किसानों की चर्चा की। मतलब उसमें मिले अधिवेशन में, और उसके बाद उनसे मिले, और उसके बाद उनसे चर्चा की, और गांधी जी ने अब आने का आश्वासन दिया। जब गांधी जी मोतिहारी पहुँचे, तब उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझा गया। मतलब जनसंख्या जो वहाँ पे उभरे, जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो भारी संख्या में भीड़ लगी हुई थी। उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु बिहार सरकार के आदेश पर आदेश वापस ले लिया गया। मतलब क्या हुआ कि यह आदेश बाद में वापस ले लिया जाता है। फिर से बिहार सरकार ने एग्रीगियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने यह सिफारिश की कि तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दिया जाए, और किसानों से जो अवैध रूप से वसूली की गई, उसका 25% लौटाया जाए। तो बिल्कुल, तो वही हुआ। समिति के इस सिफारिश को 1919 में चंपारण एग्रीगियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी शिक्षित मध्यम वर्ग थे। महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, आचार्य जे पी कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, गोरखा प्रसाद इत्यादि गांधी जी स्वयं साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। वे किसानों से उन्हीं के भाषा में बात करते थे, इसीलिए उन्हें सर्वाधिक सहयोग किसानों से मिला। तो ये किसानों से उनको इसीलिए सहयोग मिला। तो इस तरह से आप लोग अगर इंक्लूड करते हैं कुछ बातों को, और ख़ुद से जोड़ना है पढ़ करके, और बुक को पढ़ाई ज़रूरी है दोस्तों, और उसके बाद इस तरह से अगर लिखने की कोशिश, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें मेन मेन पॉइंट को इंक्लूड कर लिया गया है, जैसे कि चाहे एग्रीगियन कमेटी मतलब एक्ट का, उसके बाद है उसमें आप उससे पहले जो बातें थी कि 25% लौटाया गया, इस आंदोलन में से संबंधित कि जितने भी भागीदारी लिए, मतलब जो भी लोग, उनके बारे में भी लिखा गया है। इस तरह से ज़रूर आप लोग इंक्लूड करें। उसके बाद है कि आगे
आते हैं असहयोग आंदोलन, इसको दोस्तों बिहार के संदर्भ में भी जोड़ना है। तो बिहार से भी दोस्तों हमने इसको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका पार्ट लेकर के आएंगे कि किसान आंदोलन जो बिहार से ही शुरू हुआ था चंपारण का। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।